कृषी विभाग कृषी महोत्सव 2023 शेतकरी उत्पादक कंपनी शेतकरी गट स्वयंसहायता बचत गट आणि शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला शेतमाल प्रदर्शन व विक्री 2023 दिनांक 10 ते 14 फेब्रुवारी 2023 तर जिजामाता प्रेक्षागार व्यापारी संकुल बस स्टँड जवळ विश्राम भवनाच्या बाजूला बुलढाणा वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत तरच जिल्हाधीक्षक कृषी अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक आत्मा बुलढाणा आपल्या शुभेच्छांच्या बळावर गेल्या 4 वर्षांपासून बुलढाणेकरांच्या सेवेतील डॉक्टर रजत कुमार निरखे अस्थिरोगतज्ञ व डॉक्टर शैजल निरखे दंतरोगतज्ञ यांच्या निरखे हॉस्पिटल या ऑर्थोपेडिक ऍक्सिडेंट व डेंटल हॉस्पिटलचा नवीन वास्तू प्रवेश व स्थलांतर नवीन पत्ता बस स्टँड मागे शहीद जवान स्मारक जवळ मुठे लेआउट बुलढाणा मोबाईल नंबर 7058643520 खासदार जाधवांच्या कवितेची जिल्ह्यात चर्चा खासदार जाधवांवर टीका करीत नरेंद्र खेडेकरांनीही म्हटली कविता सध्या दिल्ली येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून या अधिवेशनामध्ये 7 फेब्रुवारीला बोलताना बुलडाण्याचे शिंदे गटाचे खासदार प्रतापराव जाधव यांनी महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ गए है ही कविता सादर केली खासदार जाधव यांनी सादर केलेल्या या कवितेची जिल्ह्यात सध्या सर्वत्र चर्चा होत असून टीकाही होत आहेत या कवितेवर शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे संपर्क प्रमुख प्राध्यापक नरेंद्र खेडकर यांनी जोरदार टीका केली असून खासदार जाधव यांनी ही कविता सादर करून बौद्धिक दिवाळखोरीचे दर्शन घडविल्याचा आरोप करीत प्रत्युत्तरात एक कविताही सादर केली आहे प्रथम पाहूयात खासदार प्रतापराव जाधव यांनी संसदेमध्ये सादर केलेली कविता लोक कहते है कि ये बदला वो बदल गए ये दुनिया बदल गई है बात वो नहीं है जिसके चर्चे उड़ रहे है महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ गए महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ गए पहले नानी के घर बनती थी छुट्टियां आम अमृत खाकर मनाती थी छुट्टियां अब तो गोवा और मनाली के ट्रिप लग रहे हैं महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ रहे सरे रहा लोग यूं ही नहीं मिलते थे रोज पहले मिलो मिल पैदल चलते थे लोग आज 2 कदम जाने को बैग कैब बुक कर रहे हैं महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ रहे घर पे बने खाने का स्वाद लेकर इतराते थे हम घर पे बने खाने का स्वाद लेकर इतराते थे हम नमक संग रोटी खुशी खुशी खाते थे हम अब हर वीकेंड होटल में दिख रहे हैं महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ रहे 2 जोड़ी कपड़ों में पूरा साल निकलता था बस दिवाली के दिन नया जोड़ा मिलता था अब तो शौक फैशन के लिए सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ रहे एक टीवी से पूरा मोहल्ला चलता था एक दूरदर्शन से पूरा घर बहलता था अब ओटीटी के जाल में फंस गए हैं महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ रहे 35 पैसे का खत का इंतजार रहता था समाप्त कीजिए खत के अंदर सबके लिए एक तो सबके हाथों में मोबाइल खत के अंदर सबके लिए एक त्योहार रहता था अब तो सबके हाथों में मोबाइल देख रहे हैं महंगाई नहीं साहब खर्चे बढ़ रहे इसीलिए मुझे लगता है कि महंगाई में बोलते टाइम में जो किसानों की फसल होती है जो किसानों की उपज होती है उसके दाम बढ़ते हैं तभी लोग महंगाई की ज्यादा चर्चा करते हैं बाकी अपने अगर खर्चे कम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये महंगाई ज्यादा बढ़ी ऐसा लोगों को लगेगा धन्यवाद अध्यक्ष व आता पाहूयात खासदार जाधव यांच्या या कवितेला नरेंद्र खेडेकर यांनी दिलेले उत्तर काल संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये महागाईवर बोलताना आपल्या जिल्ह्याचे खासदार प्रतापराव यांनी महागाई मुळीच नसल्याचं सांगत कालच्या जीवनपद्धतीची आणि आजच्या जीवनपद्धतीची तुलना केली आणि त्यांनी असं सांगितलं की कुठेतरी देशामध्ये खर्च लोकांचे एवढे वाढले त्यामुळे महागाई ही मुळीच नसून त्यांनी असं हास्यास्पद विधान केलं आणि आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीचं प्रदर्शन
संपूर्ण देशाला दाखवलं। आपले खासदार ज्या पद्धतीनं बोलतायत, हा कुठेतरी ते प्रतिनिधित्व 10% लोकांचं देशातल्या करतायत। 90% जनता आजही महागाईनं भरडली जाते। पेट्रोलचे भाव असतील, डिझेलचे भाव असतील, गॅसचे भाव असतील, कुठेतरी गगनाला भिडलेले आहेत। सोयाबीन मात्र, तूर मात्र, कापूस मात्र याचे भाव कमी आहेत। मग हे असं का हे खासदारांना विचारायला पाहिजे होतं, परंतु दुर्दैवानं तसं झालं नाही। त्यांनी जी कविता वाचून दाखवली त्या कवितेवर कुठेतरी त्यांनी असं सांगितलं, महंगाई नाही साहब खर्चे पड रहे हे। आणि हे सांगत असताना त्यांनी मोबाईलचे उदाहरणं दिले, त्यांनी गोवा टूरचे उदाहरणं दिले, त्यांनी कुठेतरी या देशामध्ये असलेली ओटीपी वर कसं होतं आणि चांगलं खाद्य कसं लोक खातात, असे महानगरातले लोक हॉटेलिंग वगैरे विकेंड या गोष्टी केल्या। म्हणून आम्ही सुद्धा त्यावर विडंबनकारी एक कविता तयार केली, ती मी आपल्याला या ठिकाणी सादर करतो। ती कविता अशी की पहले किसान बैलों को जोतकर खेती किया करते थे, आज के किसान ट्रैक्टर पर बैठकर रेबन का गॉगल लगाकर पैरों में स्केचर के जूते पहनकर स्टार्च के कपड़े पहनकर खेती करते हैं। पर साहब महंगाई नहीं बढ़ी, सिर्फ खर्चे बढ़ रहे हैं। दूसरा कड़व्यामध्ये आम्ही असं म्हटलं, पहले के सांसद और विधायक के घरों के सामने एक खटारा हुआ करती थी, लेकिन आज के सांसद और विधायक के घरों के सामने उनके घर के हर मेंबर के लिए आलीशान गाड़ियां हुआ करती है। साहब महंगाई नहीं बढ़ी, खर्चे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में हमने तीसरा जो संस्करण किया कि बुल्ढाना जिले में आप पिछले 14 साल से सांसद हो, खामगांव जालना रेलवे लाइन की लंबाई 162 किलोमीटर हुआ करती है और आज 4538 करोड़ रुपए की लागत लगाकर वो बनने वाली है। जल्दी कीजिए साहब, वरना फिर से आप कहोगे महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।